हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो बिल्कुल क्रिस्पी और करारे हैं, और समोसा कचौड़ी भी इस नाश्ते के आगे फेल हो जाएंगे। और इस नाश्ते की खासियत है कि इसे आप अगर घर में छोटी मोटी पार्टी है या मेहमान आने वाले हैं तो आप इसे पहले से ही बना करके एक कंटेनर में भर करके रख दें, और जब आपको इस्तेमाल करना हो इसे फ्रिज से निकालें और फटाफट तलें और गर्मा गर्म परोसें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बराबर मात्रा में छाछ और चावल का आटा लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें हम लोग एक बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा क्रैकर होने लगे तो एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसे कद्दूकस करके मैंने अच्छे से धो लिया है, आलू को उबालना नहीं है, कच्चा ही ग्रेट करके हम लोग इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा देर एक मिनट भूनेंगे। जैसे ही इसके अंदर कलर चेंज हो जाए तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स और नमक डालेंगे, और जो छाछ हमने लिया था उस छाछ को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसे बराबर लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ने से हमारी छाछ जो है वो फट जाएगी। जब तक इसके अंदर हल्का उबाल ना आए तब तक इसे लगातार चलाते रहें। अब हमारे छाछ के अंदर हल्का उबाल आ गया है तो जो चावल का आटा है उसे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद इसे अच्छे से आँच को लो टू मीडियम रखना है और उस पर चलाते हुए इसे हम लोग मिला करके एक डो फॉर्म में बनाएंगे और इसे इस उसी के अंदर चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलाते चलाते हमारे चावल का आटा पूरा सूख गया है और एक डो फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर धनिया का कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे। इसे बाद में डालने से इसका फ्लेवर और कलर दोनों बरकरार रहता है। और यहाँ पर इसे एक बाउल के अंदर हम लोग अब ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हल्का ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, लेकिन गुनगुना स्टेज पर इसे मसल मसल के हम लोग एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हाथों से मसल मसल कर जब तक कि एक ये सॉफ्ट डो में ना तैयार हो जाए तब तक आप इसे मसलिए। अब इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस लाने के लिए हम लोग एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, और तिल डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। तिल डालने से हमारे नाश्ते के अंदर एक अच्छा क्रंचीनेस आता है। अब इसके अंदर अपने साइज, अपने शेप के हिसाब से आप छोटे छोटे जो है बॉल बना करके इसके आप किसी भी शेप में इस नाश्ते को दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे सिलेंड्रिकल शेप में आज इस नाश्ते को बनाया है। इस नाश्ते को एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसा बना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपने इस नाश्ते को बनाने के लिए इसे शेप में बना लिया है। अब इसे शेप में बनाने के बाद इसे अगर आपको अभी इस्तेमाल नहीं करना है या घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या गेस्ट आने वाले हैं तो पहले से ही इस नाश्ते को बना करके आराम से आप फ्रिज में इसे 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत लगे उसमें से निकालिए और इसे फ्राई कीजिए। मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसे पहले थोड़ा मीडियम आँच पर इसे थोड़ी देर, जब तक इसके अंदर कलर चेंज ना हो, इसे हम लोग तलेंगे। इसके बाद जब इसके अंदर इस स्टेज पे हल्का सा सुनहरा हो जाए तब आँच को तेज करके और इसको हम लोग चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। इससे ऐसा करने से क्या होता है कि अंदर में भी जो भी अगर थोड़ा बहुत कच्चापन है वो निकल जाता है, और तेज करने से हमारे जो नाश्ते हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और इस तरह से मैंने सारे नाश्तों को अपना फ्राई कर लिया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो नाश्ता है वो कितना क्रिस्पी बन करके आया है। इसकी आवाज़ से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि नाश्ता हमारा कितना करारा और क्रिस्पी है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।